नमस्कार, एमएलसी न्यूज में आपका स्वागत है। बारिश के इस मौसम में जहां आम लोग जलजमाव और लगातार कच्चा मकान गिरने की वजह से परेशान है, वहीं बारिश का असर अब लोगों के आने जाने वाले रास्तों पर भी पड़ता दिख रहा है। ऐसा ही कुछ आज सुबह हसरतपुर वाया नंदगंज मार्ग पर बहने वाली बेशो नदी पर बने सेतु का अप्रोच मार्ग बारिश के तेज दबाव के चलते बह गया, जिसके चलते इस रास्ते से आने जाने वाले करीब 50 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। यह संपर्क मार्ग सेतु से करीब 8 से 10 फुट की चौड़ाई और करीब 15 से 20 फुट की गहराई तक कटकर बह चुका है। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इन लोगों ने इस निर्माण कार्य में मानक की कमी को लेकर निर्माण दायी संस्था को जिम्मेदार ठहराया है। वही इस दौरान जिन लोगों को बहुत जरूरी काम है, वह लोग जान हथेली पर रखकर पुल की दीवार पर चलकर कटे हुए मार्ग को पार कर आ जावा जा रहे हैं। वही जब इस मामले पर जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी उन्हें है और उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित कर दिया है। तत्काल प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सादात इलाके में भी एक पुलिया डैमेज होने की जानकारी आई है, वहां भी रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। ईशुपुर चौरा गांव के पास बेशो नदी पर बने हुए पुल के पास जो अप्रोच मार्ग बरसात के कारण टूट गया है, जिससे करीब 4 दर्जन गांव का संपर्क जो है तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और थाना मुख्यालय से टूटा हुआ है। इस मार्ग के टूटने से बहुत ही दिक्कत है। इसका तत्काल निर्माण कराया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है, नहीं तो आम जन बहुत ही प्रभावित रहेगा। ये दो दिन हुआ आने जाने में समस्या है और लगभग दर्जन गांव आते जाते हैं, इस तरह से बहुत बाधित हो गया है टूट जाने की वजह से। आवागमन बहुत बाधित हो गया है। ये रूट कहाँ से कहाँ तक मिला है? ये हंसराजपुर या अम्बेडकर मोड़ से नंदगंज चीनी मिल तक जाती है, चौड़ा होते हुए बमनौली से टूटा ला भैया। कल रात में 10:30 बजे करीब टूटा था और 10 बजे के बाद ये रास्ता बंद हो गया। आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। 10 रुपये का गरीब आदमी हम लोग हैं, काम करने जाते थे अंतराजपुर साइकिल से पैदल चल करके, और बहुत दिक्कत हो रही है। खाना खाए हुए अगर मर जाएंगे हम लोग। ठीक, एक पुलिया का 10 जाने की सूचना है, जिसको सुबह ही लोक निर्माण विभाग को बता दिया गया है, उनके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ और जगह पे सड़क काटने के लिए भी मांग था, वो भी हम लोग जगह जगह पे लोगों से बात करके करवा रहे हैं। और एक और जगह पे भी पुलिया का सैदपुर सादात रोड में भी पुलिया कमज़ोर होने की सूचना है, वहाँ हम लोग डाइवर्जन की व्यवस्था करा रहे हैं। अत्यधिक बारिश होने के कारण जो समस्या आ रही है, हम लोग सारे विभाग लग के इसको हम लोग सही करा रहे हैं।